एनर्जाइजर। आज हम GTA 5 में ढूंढने वाले हैं एलिमेंटल ऑगी को, जो कि देंगे हमें खतरनाक खतरनाक पावर। तो यार ऑगी का साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में ओपी ऑगी जरूर लिखना। तो यार एडवेंचर को स्टार्ट करते हैं। अरे भाई सब जल्दी चलना पड़ेगा यार, टाइम बहुत कम है हमारे पास, जल्दी चलो यार। अरे भाई सिंचन यार जल्दी आ। बेस्टी भाई भैया मैं आ रहा हूँ। ओए मैं भी आ रहा हूँ, रुक जा मेरे लिए। हाँ भाई सब रुका हुआ, पर तुम लोग जल्दी आओ यार, हमारे पास टाइम बहुत कम है यार। बेस्टी भाई क्या हो गया, इतनी तेज तेज क्यों भाग रहे हो? भाई बॉब यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। क्या हो गया भाई बॉब? यार जो हमारा ऑगी था ना। हाँ ऑगी को क्या हो गया? उसने मेरे साथ शर्त लगाई थी और मैं वो शर्त जीत गया था। अबे भाई तो अपनी शर्त की भाई पोटली बांध के अपनी जेब में रख ले। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, ऑगी ने अपने सारे एलिमेंटल खो दिए यार, वो गायब हो गया है। क्या कह रहे हो? बेस्ट फायर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपने एलिमेंटल कैसे खो सकता है? भाई यार वो तो मेरे को नहीं पता है, पर भाई ऑगी ने भाई अपने एलिमेंटल खो दिए हैं और उसका पता भाई टोनी स्टार्क ने मेरे को बताया है। ऑगी का कहीं भी पता नहीं लग रहा है, तो हमें ऑगी को ढूंढना चाहिए। ओए ऑगी को ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई रेडल के यार ऑगी को तो ढूंढना ही पड़ेगा हम लोगों को। ओए अच्छा अब मैं समझा, तू हमें यहाँ पोर्टल के पास क्यों लाया है? और लगता है तूने भी मेरे दादाजी की डायरी पढ़ ली है। हाँ भाई साहब मैंने तेरे दादाजी की डायरी पढ़ी है और उसके अंदर लिखा था कि अगर हमें किसी के भी एलिमेंटल को ढूंढना है तो हमें इस लोकेशन पे आके इस पोर्टल के एक्टिवेट होने का इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें पहुंचा देगा सीधा उसके एलिमेंटल्स के पास जिसके हमें ढूंढने हैं। ओए हाँ ओए सही बोला था। अरे हल्क साइड हट। ओए मैं नहीं हट रहा। अरे मेरी बात सुनो। अरे भाई साहब हल्क यार तू साइड हट जा यार, सिंचन को बोलने दे। ओए ओए क्या कर रहा है? मैं कह रहा था कि हम लोगों को आगे का ढूंढना होगा। हां बिस्ट फायर उसको आगे का ढूंढो, वो शर्त से हार गया था, लगता है वो पागल बना रहा है हमारा। अबे भाई पागल नहीं बना रहा यार, हम लोगों को वेट करना पड़ेगा भाई इस पोर्टल के खुलने का। ऑलराइट गाइस आप लोग देख सकते हो मौसम यार पूरी तरह बदल गया है यार। ओए बिस्ट फायर कभी भी पोर्टल खुल सकता है, तैयार रहे अंदर जाने के लिए। हां गाइस हम लोग तो भाई रेडी हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस आप लोग देख सकते हो पोर्टल सामने खुल चुका है और मौसम भी एकदम साफ हो गया है। ओए बिस्ट फायर जल्दी चलते हैं अंदर। मैं भी चलूंगा। हां भाई सिंचन यार चल यार जल्दी से। गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हम लोग भाई अंदर जा रहे हैं भाई ऑगी को ढूंढने के लिए, लेट्स गो। अरे भाई सब ये लोग कहाँ पे गिर रहे हैं यार? बिस्ट फायर ये क्या हो रहा है? बिस्ट फायर भैया हम लोग आपके अंदर आ गए हमेशा की तरह। हाँ भाई साहब यार ये लगता है पोर्टल में कुछ ग्लिच हो जाता है यार हमारे अंदर आने से। मेरे को भी ऐसे लगता है। ओए बिस्ट फायर जल्दी से ढूंढ ऑगी को, मुझे बाहर निकलना है तेरे अंदर से। हाँ भाई साहब यार मैं भी तुम लोगों को अंदर नहीं रखना चाहता अपने शरीर के, मुझे जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। ओ भाई थैंक गॉड हम लोग आराम से पहुंच गए हैं भाई साहब पहाड़ के ऊपर। अरे रे 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 मैं तो नीचे गिर जाऊंगा लगता है। ओ भाई साहब क्या ही खतरनाक तरीके से बच रहे हैं यार, लेट्स गो। बिस्ट फायर तुम तो एकदम स्टंटमैन निकले। हाँ भाई साहब बॉब यार तूने ऐसा समझाया क्या मेरे को? पर गाइस यार मेरे को दूर दूर तक यहाँ पे कहीं भी ऑगी नहीं दिख रहा यार, और हम लोग भाई पहाड़ पे उतरे हैं यानी कि हम लोगों को अर्थ एलिमेंटल का ऑगी ढूंढना पड़ेगा। और ये मैं कहाँ पे जा रहा हूँ भाई मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। ऑलराइट गाइस यार क्या आप लोगों को आसपास कहीं भी भाई ऑगी दिख रहा है यार? अगर दिख रहा है यार तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे को बताओ भाई, मैं ढूंढ रहा हूँ यार, मेरे को अभी तक नहीं दिखा भाई ऑगी कहीं पे भी। बेस्ट फायर हमें जल्दी ढूंढना होगा रात होने से पहले। भाई बॉब यार रात होने से पहले क्यों ढूंढना होगा यार, हम तो कभी भी ढूंढ सकते हैं ना उसको। हाँ और जिस पोर्टल की मदद से हम लोग यहाँ पे आए हैं उसके हिसाब से हमें एक फिक्स टाइम में ही एक एलिमेंटल को ढूंढना होगा, वरना हम लोग किसी और एलिमेंटल के पास पहुंच जाएंगे और उस एलिमेंटल को हम ढूंढ नहीं पाएंगे कभी भी। भाई बॉब यार ये तो तूने बहुत खतरनाक बात बता दी, हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड भाई वहाँ पे कौन है? ओ गाइस यार आप लोग देख सकते हो वहाँ पे भाई ऑगी है यार, लेट्स गो उसके पास चल के देखते हैं। अरे मैं तो नीचे गिर जाऊंगा भाई, बचाओ मेरे को। ऑलराइट गाइस यार हम लोग उसके पीछे आ गए हैं, मैं जल्दी से अपने ड्रोन से देखता हूँ भाई वो कर क्या रहा है यार उसके पास पहुंचने से पहले, कहीं वो भाई गुस्सा तो नहीं है हम लोगों से। लेट्स गो भाई आराम से चलते हैं, उसको पता नहीं लगना चाहिए। ये एकदम इनविजिबल ड्रोन है हमारा क्योंकि भाई टोनी स्टार्क ने हम लोगों को दिया है। क्या कर रहा है भाई ऑगी? ए भैया आज तो मजा आ गया यार, ये झाड़ियां कितनी ज्यादा मजेदार हैं। बिस्ट फायर लगता है ऑगी हल्का हो रहा है। बे हाँ भाई हमने गलत टाइम पे उसको देख लिया यार, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं यार। भाई चलो गाइस खैर कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी से उसके पीछे जाते हैं, उसको धप्पा कर देंगे यार। लेट गो जल्दी चलते जल्दी चलते हैं। अरे रे रे मैं मेरा पैर फिसल गया फिर से। ओए ऑगी हेलो। ए बिस्ट फायर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? अरे यार तुम्हें पता भी है तुम भाई अपने शरीर से बाहर आ गए हो, तभी सोचो मैं इतना हरा हरा क्यों दिख रहा हूँ। भाई ऑगी यार मेरी बात सुन, तुझे मेरे अंदर मर जाना पड़ेगा जिसके बाद मुझे तेरी पावर मिल जाएगी अर्थ एलिमेंटल की, और उसके बाद मैं सारे एलिमेंटल्स कलेक्ट करके भाई तेरे को वापस जिंदा कर दूंगा यार हमारी डायमेंशन में जाके। ये तो बहुत ज्यादा मजेदार काम लगता है मेरे को। कैसे मेरे को लग रहा है ऐसे अभी तक ये नहीं पता कि हम इसको छुप छुप के देख रहे थे, पर खैर कोई बात नहीं वो तो आपको पता है और मेरे को पता है। तुम क्या बोल रहे हो यार? अरे भाई मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, जल्दी से मेरे अंदर मर जा, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यार हम लोगों ने अर्थ एलिमेंटल ऑगी को तो पकड़ लिया है, यानी कि उसकी पावर्स हमारे अंदर आ गई है, जल्दी से उसकी पावर्स को ट्राई करते हैं। क्या अर्थ एलिमेंटल के पास ताकतवर वाली पावर है या कोई और पावर्स भी है? भाई बॉब
यार ये तो मेरे को नहीं पता है, हम लोग शायद वो सब काम कर सकते जो कि यार अर्थ से हो सकता है। ऐसी बात है। हाँ भाई साहब हम कुछ भी कर सकते हैं यार। चल भाई बॉब यार हम लोग एक काम करके देखते हैं, अगर मेरे पास अर्थ की पावर है तो मैं यहाँ पे भाई पेड़ भी उगा सकता हूँ अपनी मर्जी से। ऐसी बात है तो उगा के दिखाओ। रुक भाई बॉब यार यहीं पे मैं पेड़ उगाता हूँ। ये देख भाई साहब यार मैंने पेड़ उगा दिया यहाँ पे एकदम। मिस्टर भाई ये पेड़ तो हवा में उड़ रहा है। हाँ भाई साहब क्योंकि यार मेरे पास अर्थ की पावर है ना तो मैं किसी भी तरह भाई अर्थ के एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। मिस्टर भाई ये काफी ज्यादा मजेदार पावर है, पर मेरे को तो तुम्हारी ताकत और पावर ही अच्छी लगती है। चल भाई ठीक है यार मैं तेरे को अपनी ताकत और पावर भी दिखाई देता हूँ। ये ले भाई मेरी ताकत और पावर देख। भाई साहब तू देख सकता है हम लोग भाई अर्थ के अंदर बहुत ही गहरा गड्ढा कर सकते हैं भाई। मिस्टर भाई ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। ओए मिस्टर भाई और टाइम पास मत कर, ओए हम लोगों को और भी एलिमेंटल्स को ढूंढना है। ओए बोल मत हम लोगों को ओगे को जिंदा करना है। ओए मजे नहीं करने। ओए हां भाई साहब रेडल यार मैं जानता हूं भाई ओगे को हम लोगों को जिंदा करना है, पर यार थोड़े मजे तो कर ही सकते भाई इस पावर्स के। ये लेट्स गो। ओ भाई अब तू देख भाई साहब अब मैं यहां से भाई एक पत्थर निकालूंगा और काफी दूर फेंकूंगा। ये देख भाई लेट्स गो। मिस्टर भाई ये तो काफी ज्यादा मोटा पत्थर था। हां भाई साहब अभी एक और देख। ये देख भाई साहब क्या ही खतरनाक पत्थर फेंक रहे भाई जमीन से निकाल निकाल के। आओ तो उससे तो ग्रेट हो। ये भाई साहब कार के अंजर पंजर हिला दिए बेटे हम लोगों ने। चलो गाइस खैर कोई बात नहीं हम लोग भाई टाइम पास कम करते हैं और अब जल्दी से चलते भाई अगले एलिमेंटल को ढूंढने के लिए। ये अरे भाई साहब मैंने तो जमीन पे जंप मारी थी मैं पानी के पास कैसे आ गया। ओए मिस्टर भाई और तू टेलीपोर्ट हो गया जैसे तूने सोचा कहीं और एलिमेंटल के पास जाने के लिए। अरे भाई साहब ये लगता है पोर्टल यार अपग्रेड हो गया। मेरे को लग रहा था कि भाई हमारे ऊपर फिर से वो लाइट वाइट चमकेगी उसके बाद हम लोग अपग्रेड होंगे। ओए मैं भी यही सोच रहा था पर अब कर भी क्या सकते हैं। ओए जल्दी से चल पानी के अंदर। हां भाई साहब मैं ढूंढ रहा हूं यार एलिमेंटल हॉकी को वो भी वाटर वाले। गाइस जब तक हम लोग एलिमेंटल वाटर हॉकी को ढूंढ रहे हैं तब तक तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार। और गाइस कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ आप लोगों को हॉकी पसंद है या फिर डोरेमोन। मेरे को तो दोनों पसंद है। अबे भाई सिंचन तेरी बात नहीं हो रही है। ऑलराइट गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग भाई समुद्र के एकदम नीचे आ चुके हैं। भाई सब जमीन दिख रही है भाई समुद्र की और अभी तक मेरे को भाई हॉकी कहीं भी नहीं मिला यार। मिस्टर भाई मेरे को लग रहा है कि हमारे दोस्तों ने लाइक नहीं करा वीडियो को। हां भाई साहब मेरे को भी ऐसे लग रहा है। गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो हो सकता है आपके लाइक करने से हम लोगों को ऑगी मिल जाए यार। मिस्टर भाई वहां पे क्या हो रहा है। भाई साहब वहां पे तो पानी की लहरें निकल रही है काफी तेज। मेरे को लग रहा है हमारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक कर दिया। वो देखो वहां पे ऑगी है। हां भाई साहब ये तो भाई वाटर ऑगी है और उसके अंदर से भाई पानी की कितनी ज्यादा तेज लहरें निकल रही है यार। ये कौन आ गया यार। अबे भाई ऑगी यार मैं हूँ भाई मिस्टर भाई। ये देखो अबे कहां पे आ गया यार। मेरे को पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे आया। अरे भाई ऑगी यार तेरे को पता नहीं है यार तेरे अंदर से एलिमेंटल सारे के सारे गायब हो गए थे यार। हे तुम क्या कह रहे हो यार। हाँ भाई साहब और तू भी एक एलिमेंटल है वो भी वाटर वाला। हे क्या तुम सच बोल रहे हो। तभी सोचूं मैं पानी के अंदर क्या कर रहा हूँ और मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ यार। भाई ओगी यार इसका बस एक ही तरीका है मैं सारे एलिमेंटल्स को कनेक्ट कर रहा हूँ भाई तेरे और वापस से मैं तेरे को जिंदा कर दूंगा यार अपने डायमेंशन में जाके। हे क्या तुम सही बोल रहे हो। हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ यार और मैं अभी तक अर्थ एलिमेंटल को कलेक्ट कर चुका हूँ भाई और मैं आया हूँ भाई तेरे को कलेक्ट करने जल्दी से हम लोग मर्ज हो जाते हैं। हाँ तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पास। ऑलराइट गाइस मैं अभी टॉप पे खड़ा हूँ जल्दी से मर्ज हो जाते हैं। ये लेट्स गो गाइस यार हम लोग भाई एलिमेंटल वाटर ऑगी के अंदर मर्ज हो गए हैं और हम लोग भाई साहब पानी को अब कंट्रोल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ओए बिस्ट भाई ओए जल्दी से कंट्रोल करने की कोशिश करना। ओए लेट्स गो गाइस यार हम लोग भाई पानी में कितनी ज्यादा स्पीड से चल रहे हो भाई हवा में कैसे उड़ने लगे हम लोग। हाँ बिस्ट भाई तुम तो हवा में सुपर हीरो की तरह उड़ रहे हो। हाँ भाई साहब मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा मैं यहाँ पे कैसे आ गया यार। ओए बिस्ट भाई ओए तेरे पास अर्थ एलिमेंटल की पावर थी ना। हाँ भाई साहब अर्थ एलिमेंटल की पावर थी पर मेरे पास एयर एलिमेंटल की थोड़ी पावर थी। और तेरे पास वाटर एलिमेंटल की पावर आ गई है और अर्थ एलिमेंटल की इसकी वजह से तू हवा में उड़ पा रहा है वो भी वाटर की मदद से। अच्छा तभी सोचू भाई ग्रेविटी मेरे ऊपर असर क्यों नहीं कर रही है। ओए हाँ ओए मिस्टर भाई वैसे ग्रेविटी क्या होती है। अबे भाई तेरे को ग्रेविटी के बारे में नहीं पता। हाँ मेरे को नहीं पता। गाइस अगर आप लोगों को ग्रेविटी के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स मेरे को जल्दी से बताओ भाई ग्रेविटी क्या होती है। तब तक हम लोग भाई पानी की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं यार। लेट गो भाई साहब अब मैं करूंगा एकदम खतरनाक वाला अटैक। ये देखो भाई पानी को एकदम कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। लेट्स गो भाई क्या ही खतरनाक भाई पानी की बॉल फेंकी मैंने। अब भाई साहब बड़ी बॉल की बारी है भाई पानी कलेक्ट हो रहा है और मैं हवा में भी उड़ने लगा यार पानी की पावर से। लेट्स गो। ओ भाई गाइस आप लोग देख सकते हो पानी की क्या ही खतरनाक बॉल जा रही है। ये ओए मिस्टर भाई और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है यार तेरे पास। मेरे पास भी होती है ना काश ऐसी पावर। लेट्स गो गाइस हम लोग भाई पानी की पावर से हवा में उड़ रहे हैं यार काफी स्पीड से। गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग भाई साहब पानी की शक्ति से अभी भी हवा में है पर हमें भाई मजे नहीं लेने भाई हवा में रह के। हमें भाई एलिमेंटल्स को ढूंढना है और ऑगी को यार जिंदा करना है यार। ओए वही तो मैं भी कह रहा हूँ इतनी देर से और तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। अरे भाई साहब यहाँ तो भाई बहुत धमाके हो रहे हैं मैं यहाँ से निकलता हूँ यार जल्दी से। भाई पता चला पुलिस ने मेरे को ही पकड़ लिया। पुलिस कह रही है ये धमाके कौन कर रहा है भाई। तो यार जल्दी से चलते किसी और एलिमेंटल
हॉस्पिटल के पास। लेट्स गो। अरे भाई साहब मैं कहाँ पे गिर रहा हूँ, मेरी पावर कहाँ चली गई यार। ओए मिस्टीफाई, ओए अभी हम लोग कहीं और आ गए हैं दूसरे एलिमेंटल के पास, इसलिए तेरी पावर काम नहीं कर रही है। अरे भाई साहब यहाँ तो आग लगी हुई है यार। भाई साहब अभी तो हमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे खड़ा है हमारा भाई फायर एलिमेंटल का होगी। तू काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई, मेरे अंदर आग ना लग जाए। संभल के जाते हैं। काइजर इसको भी हम लोग ड्रोन शॉट से देखते हैं, पास से देखने पे कैसा लग रहा है यार। लेट्स गो, हमने अपना ड्रोन तैयार कर लिया है। और काइजर आप लोग देख सकते हो आग इतनी ज्यादा तरीके से जल रहा है यार। ए भैया मेरे को गुस्सा आ गया यार, सबको फोड़ दूंगा मैं। अरे काइजर ये तो भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है, मेरे को तो यार डर लग रहा है इसके पास जाने से। ओए मिस्टीफाई, ओए डर के आगे ऑगी है, ओए हमें ऑगी को जिंदा करना है ना, ओए इससे लड़ना ही पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा भाई ठीक है, मैं भाई संभल के जाता हूँ भाई ऑगी से मिलने के लिए। हेलो ऑगी यार इधर देख यार। हे कौन है यार? अरे भाई साहब मैं हूँ यार बिस्टीफाई तेरा दोस्त। हे बिस्टीफाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब मेरे अंदर ये आग क्यों लगी यार? अरे यार तेरे अंदर से सारे एलिमेंटल गायब हो गए थे और अभी तू फायर एलिमेंटल है। मैंने काफी सारे एलिमेंटल्स को कलेक्ट कर लिया है भाई तेरे, अब मैं जल्दी से तेरे को कलेक्ट करके भाई तेरे को जिंदा कर दूंगा यार हमारे वर्ल्ड में ले जाके। हे बिस्टीफाई तभी सोचो मेरे को गुस्सा क्यों आ रही है इतनी। हाँ भाई साहब यार तू फायर एलिमेंटल का होगी है यार इसलिए। हे यार तू जल्दी से मेरे को कलेक्ट करो यार। अच्छा हाँ भाई ठीक है मैं जल्दी से कलेक्ट करता हूँ। 3, 2, 1 को। अरे गाइस मैंने उसको कलेक्ट तो कर लिया है और यहाँ की फायर भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। मैं यहाँ से जल्दी से जाता हूँ यार यहाँ से। मिस्टीफाई क्या तुम अपनी पावर को टेस्ट नहीं करोगे? अरे भाई साहब बॉब यार फायर एलिमेंटल की पावर को टेस्ट करना यानी कि भाई तबाही मचाना। ओए मिस्टीफाई ओए जल्दी से कर ले अपनी पावर को टेस्ट वरना फिर कर नहीं पाएगा। अच्छा भाई ठीक है तुम लोग अगर इतना कहते हो तो मैं जल्दी से अपनी पावर्स को टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट गाइस आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग भाई बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से जल रहे हैं। और भाई साहब मेरी खोपड़ी इतनी लाल हो गई है यार इतनी भाई साहब, पर मेरे को भाई जलन नहीं हो रही यार। ऑलराइट गाइस ये देखो यार मेरे मुंह से भाई आग निकल रही है काफी खतरनाक तरीके से। और अब देखो ये ले, ओ भाई साहब क्या तबाही मचा दी है ये ले। अरे भाई साहब बच गया मेरे से, ये भाई क्या तबाही मचाई है यार। गाइस एक पेंटिन का एलियन भी था ना जो भाई काफी खतरनाक तरीके से आग फेंकता था। हां मेरे को याद है मैं भी देखता था वो पेंटिन का एलियन। ये भाई क्या खतरनाक तरीके से भाई बम ही बम फेंके जा रहे भाई आग के। ये लेट्स गो, सबको उड़ा दूंगा मैं। मिस्टीफाई यहाँ से जल्दी चलो वरना भाई साहब पुलिस आ जाएगी और तुमने तो यहाँ पे आग लगा दी है। अरे भाई साहब यहाँ तो सीसीटीवी ने सब कुछ देख लिया है, मैं इसके ऊपर जल्दी से बम फेंक देता हूँ, सीसीटीवी खराब कर देता हूँ। लेट्स गो, ये ले। और भाई साहब सीसीटीवी खराब करके हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं किसी और एलिमेंटल के पास जाने के लिए। ये मिस्टीफाई तुम कहाँ पे आ गए? अरे भाई साहब मेरे को खुद पता नहीं चल रहा यार ये कौन सी बिल्डिंग है, यहाँ तो भाई मैं पहली बार आया हूँ। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली वाटर स्लाइड है। अरे भाई साहब ये वाटर स्लाइड है जिसके बारे में सिंचा तू बता रहा था मेरे को, मैं इसी वाटर स्लाइड के बारे में बता रहा था। गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ आप लोगों को वाटर स्लाइड पसंद है कि नहीं, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे भाई सिंचन यार ये देख भाई यहाँ तो हम लोग भाई खेल सकते हैं यार, अगले भाई संडे को हम लोग यहाँ पे जरूर आएंगे यार। सिंचन मैं भी आऊंगा पर अभी हम लोग एलिमेंटल ऑगी को ढूंढ रहे हैं, उसे ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ भाई वही तो सोचूं मैं यहाँ पे एलिमेंटल ऑगी कहाँ से आ सकता है। और भाई साहब सुबह होने वाली है हम लोगों को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा यार। भाई साहब ये बिल्डिंग तो काफी ज्यादा मजेदार लग रही है यार, इसके ऊपर तो एक टावर और है। और भाई यहाँ कार भी आ रही है यार, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। लो गाइस जल्दी से ऊपर चलते हैं यार, क्या पता भाई ऊपर ही ऑगी बैठा हो हमारा। मिस्टीफाई अब हमारा बस लास्ट ऑगी बचा हुआ है जो कि है एयर एलिमेंटल का ऑगी। हाँ भाई तभी देख भाई साहब कितनी ज्यादा ऊंचाई पे हम लोग, यहाँ पे तो भाई बहुत तेज हवा आती होगी यार तभी भाई यहाँ पे एयर एलिमेंटल ऑगी होने की भाई संभावना बढ़ जाती है। और भाई साहब हम लोग बस पहुंच गए यार एकदम टॉप पे, क्या ही खतरनाक जगह है भाई ये, यहाँ तो भाई टेलीस्कोप लगे हुए हैं और ये भाई वाटर स्लाइड। और यार कहाँ पे है भाई वो ऑगी यार हमारा? गाइस हम लोगों को अपना ड्रोन निकालना पड़ेगा ताकि हम लोग भाई ऊपर का भी व्यू ले पाए क्योंकि भाई अब ऊपर नहीं देख पा रहे हम लोग। ऑलराइट गाइस यार हमारा ड्रोन निकल चुका है और भाई कितनी ज्यादा ऊंचाई पे हम लोग, लेट्स गो जल्दी से ऊपर चलते हैं। ओ भाई ये टावर कितनी ज्यादा ऊंचाई पे है। और गाइस यार आप लोग देख सकते हो ये रहा भाई ऑगी हमारा, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है यार। हेलो ऑगी भाई सुन सकता है मेरे को? कौन बुला रहे यार? अरे भाई मैं बिस्टीफाई हूँ नीचे आ जल्दी। बिस्टीफाई अभी आता हूँ मैं। यार बोलो क्या काम है? अरे भाई साहब यार ये तो कितना ट्रांसपेरेंट सा है यार। अरे यार तेरे को पता भी है तू यहाँ पे क्यों आया और ये ऐसा कैसे दिख रहा है? यार मेरे को कुछ याद नहीं है यार। यार ऑगी तेरे अंदर से भाई सारे एलिमेंटल गायब हो गए थे और अभी तू एयर एलिमेंटल है यार। क्या बोल रहे यार तुम? हाँ भाई मैंने सारे एलिमेंटल कलेक्ट कर लिए, बस तू लास्ट एलिमेंटल था, जल्दी मेरे अंदर मर्ज हो जा फिर हम लोग भाई तेरे को जिंदा कर देंगे यार। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ। 3, 2, 1 गो। ऑलराइट गाइस यार ऑगी हमारे अंदर मर्ज तो हो गया है, पर इससे पहले कि हम लोग उसको जिंदा करें हम लोग भाई उसकी पावर्स भी ट्राई करेंगे यार
कैसे तोड़न जाने देंगे। ऑलराइट गाइस यार जल्दी से यहाँ से हवा में उड़ना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओ भाई काफी ज्यादा खतरनाक पावर मिल गई यार हम लोगों को हवा में उड़ने की। ओ भाई ये पुलिस क्यों जा रही है यार? ओ भाई ये तो किसी गुंडे के पीछे लगी हुई है, मैं इस गुंडे की बैंड बजा दूंगा। ओ भाई गुंडे की तो बैंड बज चुकी है, अबे कहां भागेगा? ये ले लॉस सैंटोस में मेरे होते हो भाई, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होगा। ओ भाई साहब स्टिफायर तुमने तो इनकी बैंड बजा दी। हाँ भाई साहब कहां भाग रहे हो? ये लो। ओ भाई क्या खतरनाक तरीके से पटका है उसको। तुम्हारे अंदर से तो आग भी निकल रही है स्टिफायर भैया। हाँ भाई यार ऐसी थोड़ी ना भाई, मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गया भाई एलिमेंटल ऑगिस की पावर लेके। और अब देख भाई मेरी सबसे ज्यादा ताकतवर पावर ये देख, एटॉमिक ब्लास्ट। स्टिफायर तुम तो काफी ज्यादा मजेदार हो, तुमने तो आसपास की सारी चीजें उड़ा दी। हाँ भाई साहब यार लेट्स गो। और भाई साहब अब देख मेरा एटॉमिक ब्लास्ट सबसे ज्यादा ताकतवर वाला ये। अरे भाई साहब मेरी पावर भाई जा रही है। अरे भाई मेरे को तो चक्कर आने लगे यार। स्टिफायर तुमने इतनी पावर यूज करी इसलिए तुम्हारे अंदर से सारी पावर जा चुकी है। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता यार, मैं अभी भी उड़ने की कोशिश करने का हूँ यार जल्दी से। ओ भाई थोड़ा बहुत तो मुड़ पा रहे हैं, जल्दी से चलते भाई बिल्डिंग के ऊपर और रॉकी को जिंदा करते हैं यार। अरे अरे मैं कहाँ गिर रहा हूँ यार, बिल्डिंग के ऊपर जाने हम लोगों को, लेट्स गो गाइस। ऑलराइट गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे अंदर से सारे ऑगीज अब कभी बाहर आ सकते हैं। स्टिफायर ये क्या हो रहा है तुम्हारे ऊपर? भाई बॉब यार तू थोड़ी देर भाई वेट कर यार, ऑगी अभी बाहर आएगा देख। स्टिफायर तुमने मेरे को जिंदा कर दिया यार। हाँ भाई साहब मैंने तेरे को जिंदा तो कर दिया यार, पर यार बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ यार तेरे सारे एलिमेंटल को ढूंढने में, और भाई मेरे को मजा भी बहुत आया। ऑलराइट गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने ऑगी के सारे एलिमेंटल्स को कलेक्ट करके उसको वापस से जिंदा कर दिया है। और हमारे पीछे यार वाटर स्लाइड है, आप लोग कमेंट बॉक्स मेरे को बताओ क्या हम लोग अगली बार वाटर स्लाइड चैलेंज करें या नहीं। और यार आज की वीडियो में बस ना, अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे बेल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।